दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज अभी जो टाइम हो रहा है दिन में, अभी बज रहे हैं दिन के 1 बज रहा है दोस्तों। और मैं अभी आ चुका हूँ वसंत कुंज एम्बियंस मॉल के बैक साइड में हूँ। अभी CNG फिल कराई थी मैंने, तो अभी गाड़ी को रेस्ट दे दिया है 1 घंटे के लिए। तो मैं सोचा अपने ड्राइवर भाई से बात कर ली जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक इन ड्राइवर एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब ओला उबर से अच्छी टक्कर देने के लिए अभी ये एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है और दिल्ली NCR में काफी ड्राइवर भाई इसको यूज कर रहे हैं और काफी जो राइडर है वो भी इसको मतलब यूज कर रहे हैं और इंस्टॉल कर चुके हैं काफी एप्लीकेशन। तो आज मैं ये बताऊंगा कि इन ड्राइवर ऐप करने में क्या मतलब ड्राइवर भाई को फायदा है या नुकसान। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो, अभी तो ये लगा लीजिए कि जो अभी जी इन ड्राइवर में रेट दे रहा है वो आप ओला उबर से थोड़ा कम ही है, क्योंकि ओला उबर 30-40% कमीशन काटता है। ये इसमें अभी आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, 0% कमीशन है 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद फिर ये अपनी कमीशन 10% से स्टार्ट करेगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते वही बराबर ओला उबर के ऊपर ही आके जब इसका अच्छा बेस बन जाएगा। क्योंकि जब ये ओला उबर स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तब आपको ध्यान है 5-6 साल पहले, तब इन कंपनियों का भी मतलब बेस कुछ नहीं बना हुआ था, तब ये 10% कमीशन देती थी और 10-10, 11-11 हजार का इंसेंटिव प्लान्स देती थी। बट ये जो इन ड्राइवर ऐप है इसमें इंसेंटिव प्लान्स तो कुछ है नहीं, मतलब ये है कि आपको एक ऑफर दिया जाता है कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं राइडर के साथ। भाई अगर राइडर ने कोई ऑफर प्राइस दिया है आपको, सपोज मुझे यहाँ वसंत कुंज से जाना है आपका कनॉट प्लेस, तो कनॉट प्लेस का मोस्टली आपको पता है 250-300 का बिल आराम से हमारा कमीशन काटने के बाद बनता है। तो वही चीज 250-300, 350 का जो भी मोस्टली मैंने देखा है कि इन ड्राइवर ऐप में, जैसे ओला उबर का हमें बिल तो बनेगा 350 का, हमें मिलेगा 250 रुपये, ठीक है 100 रुपये उनकी कमीशन होगी। इसमें इन ड्राइवर में पहले ही 200-220 का फेयर दिखाते हैं, तो इसमें ये होता है कि ओला उबर में कमीशन कटती है, इसमें कमीशन नहीं होती, जिसकी वजह से फेयर काफ़ी कम होता है। और इंटरसिटी बुकिंग का भी मैंने देखा है इसमें फेयर काफ़ी कम है। तो मतलब ये एक अलग साइड एक ऑप्शन हो गया आपके पास कि आप मतलब सपोज ओला उबर में कहीं बुकिंग नहीं आ रही है, ठीक है, या कहीं आपको अच्छा रेट दिख रहा है इसमें इन ड्राइवर में, तो क्योंकि रेट कई बार हो जाता है कि अच्छा भी मिल जाता है। तो इस चीज में ये कहीं जैसे आप फंसते हो ना, तो उस जगह ये चीज काम हो जाएगी। तो अगर वैसे आप देखा जाए कि मतलब ओला उबर से हटके आपको सिर्फ ओला उबर बंद करके सिर्फ यही चलानी है, तो इसमें फिर ज्यादा अर्निंग अभी स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब लोग जैसे इसमें जानेंगे, काफी जुड़ेंगे लोग, ड्राइवर भी जुड़ेंगे, तब इस एप्लीकेशन का पता चलेगा, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट होगा और रेट भी थोड़ा हो सकता है और अच्छे हो। क्योंकि अभी जो रेट मिल रहे हैं वो ये लगा लीजिए कि ओला उबर का जो रेट मिलता है उससे 100-150 रुपये कम ही मिलता है, तो बात वही पड़ जाती है चाहे आप इसमें चला लो या उसमें। और इसमें नुकसान एक चीज ये है कि बुकिंग्स कभी आपने देखा होगा एप्लीकेशन, जब अगर 15 किलोमीटर दूर तक की बुकिंग आपको प्रोवाइड करता है, तो 15 किलोमीटर दूर आपको सोचिए आपके पास जो बुकिंग आपने एक्सेप्ट कर ली 5 किलोमीटर की हुई, आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, कैंसिल कर देगा बंदा, कैंसिल करेगा, कैंसिलेशन फीस कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कैंसिलेशन फीस नहीं है इसमें, अभी कोई भी कैंसिलेशन फीस नहीं लगती है। तो इसमें ये नुकसान है कि आप राइडर का 3-3 किलोमीटर के बाद पिकअप करने जा रहे हो, उस टाइम फिर करंटली कैंसिल कर देता है, तो जिसका मतलब नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर जाना आपको पता ही है अभी CNG की लगातार प्राइस भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो ड्राइवर भाइयों को हो रही है। आज मैं सुबह एक FM था, उसमें मैं सुन रहा था कि मतलब ये लगा लीजिए कि कैब वाले जो ड्राइवर भाई हैं वो AC क्यों नहीं चलाते हैं, मतलब तो काफी पैसेंजर की वो रिकॉर्डिंग में सुन रहा था, उसमें बंदे पूरा का पूरा मतलब ड्राइवर के ऊपर ही थोप देते हैं, ठीक है। FM का एंकर है वो भी ड्राइवर के ऊपर ही थोप रहा है कि ड्राइवर अपनी मर्जी करता है कि, अब एक बात बताइए, हम लोगों को जब फेयर मिलता नहीं है तब हम कैसे चलाते AC? आप लगातार CNG के प्राइस बढ़े, अभी जितना 3 दिन की स्ट्राइक करी है उसमें तो थोड़ा 10% इन्होंने बढ़ाया, उसके बाद अब 2 रुपये फिर से बढ़ गए, तो इसमें कहाँ हमारा मतलब CNG का प्राइस बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, मतलब सॉरी फेयर में हमारा कहाँ इंक्रीजिंग हुआ, 2 रुपये अभी बढ़ गए हैं,
ठीक है, 2 रुपए बढ़ना मतलब अगर हम 7 किलो CNG डलवा रहे हैं तो मतलब सीधा सीधा 15 से 20 रुपए का इजाफा हो जाता है CNG पे। तो ये लोड तो हमारे ऊपर ही पड़ता है ना, एवरेज पे हमारी वो होते हैं डाउन, तो हमें रेट नहीं मिल पाता जिसकी वजह से हम मतलब ये चीजें फेस करते हैं। तो यही चीज है दोस्तों अभी, और इन ड्राइवर ऐप में मतलब चलाने में ज्यादा बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। बट ये है कि आप एक साइड आपके पास ऑप्शन है, कहीं भी आप फंसते हो ऑन करके रखो इसको, कहीं भी आपको लगता है कि अच्छी बुकिंग आ रही है इसमें तो आप उसमें ले लो। क्योंकि आज मैं नोएडा सेक्टर 18 था तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था इन ड्राइवर ऐप में, 550 रुपये का रेट दिखा रहा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जब मैंने उसको 640 का लास्ट रेट था वो मैंने उससे भेजा, पर उसने रिजेक्ट कर दिया पैसेंजर ने। तो हो सकता है उनको 550 में अच्छी वो मिल गई हो। बट इसमें एक चीज और है दोस्तों, अगर आप इन ड्राइवर ऐप चलाते हो तो इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, टोल जो है वो आपका अलग ही है, आपको अलग लेना है। जितना फेयर में आपकी बात हुई है इन ड्राइवर ऐप में, उसमें टोल अगर आता है टोल वो आपको अलग से लेना है। आप ये मत सोचिएगा कि सपोज आप नोएडा से दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली का MCD टोल भी उसी प्राइस में ही है, नहीं, आपको अलग से 100 रुपए MCD के चार्ज करने हैं। और ये आपको राइडर को पहले ही बताना पड़ेगा क्योंकि राइडर भी कंफ्यूज होगा, हालांकि पता सबको होता है पर अनजान सब बन जाते हैं जानने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि ऐसी कल मेरे साथ हुआ था, कल मैं जब सोनीपत से राइड लेकर आ रहा था तब उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था MCD टोल आपको अलग से देना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड नहीं। कह रही भैया सॉरी नहीं, मतलब जाते वक्त यहाँ से सोनीपत से जब मैं गया था स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स के लिए मतलब कहती हम तो कितनी बार गए हैं स्टेट टैक्स कोई लगता ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं लगता, मैंने कहा मुझे भी 5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मैं भी मतलब हर राइडर से आपको दिखा दूं बोलो। तो मैंने कहा मेरे पास पेटीएम की पेमेंट्स है, उबर का बिल है और पेटीएम की पेमेंट्स है, वो देख लो आप कितना है, 100 रुपये एक्स्ट्रा ही दिए। तो कहते चलो ठीक है भैया, मैंने कहा नहीं चलो नहीं, आप अभी बता दो, ट्रिप स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट तभी होगी जब आप पेमेंट एग्री होगी। मैंने कहा भैया बाद में फिर इस छोटे छोटे उसके पीछे दिक्कत नहीं चाहिए। कह रही नहीं ठीक है आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लेना क्या, जो तो जो चीज बन रही है स्टेट टैक्स टोल टैक्स सारा इंटरसिटी बुकिंग से अलग होता है। तो ये चीज है दोस्तों, तो आज का इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, टिल देन बाय।